Good morning, student. So let's start our class. Read it yourself. Hina determination. Student, as we had finished our previous chapter, Eklavya wale and Janki also, in both chapter you will find that it is the story also same pattern. Clear? As in a previous story we had seen both of them are well determined. Just the same thing in this story. Hina, she was not well determined, but after encouragement of her mother, she become a well determined girl. Let us see what happened in this story. So you will find in the beginning of the story that Hina give up. Clear? Her study. She want to give up her study because after being hard also, she always stood 10th position in a class. Then mother encourage her by reciting an example of first Winston Churchill. After laboring hard, he become a Prime Minister of United Kingdom. Last wale paragraph mein aap dekh rahe hain beta wahan par. Right? Next page mein aap dekhoge phir. Again he recited another example of that. What? Ki again he performed so badly. Ab dusra example kya dekh raha hai? And he spent extra time study, recognize a great man. Aur ek din wo mahan aadmi ban gaye. दूसरा एग्जाम्पल अब उन्होंने थॉमस एडिसन के बारे में देखा. तो थॉमस एडिसन के बारे में क्या कह रहे हैं कि वो स्लो लर्नर थे और बहुत बार उन्हें क्लास से निष्कासित भी किया, एक्सपेल्ड जिसको कहते हैं. तो क्लास से निष्कासित करने के बाद उन्होंने क्या किया, कड़ी मेहनत करते हुए और वो एक क्या ऐसे मेहनत किए जैसे कि न्यूज़पेपर बेचा उन्होंने, ट्रेन में मिठाइयां बेची और वो जो पैसे आए उससे अपनी किताब कॉपी अपने नीड्स को पूरा किया. थर्ड एग्जाम्पल अब इन्होंने अब्राहम लिंकन के बारे में बताया. तो माने जब थर्ड एग्जाम्पल अब्राहम लिंकन के बारे में क्या बताया कि वो भी बहुत मेहनत किए उन्होंने, वो अपनी पढ़ाई स्ट्रीट लैम्प दिन भर मेहनत करते थे और रात को क्या करते थे कि जो गलियों के सामने में जो स्ट्रीट लैम्प जलता था उसमें जाकर के कड़ी मेहनत करते थे, पढ़ाई करते थे रात भर और वो प्रेसिडेंट बन गए अमेरिका के. माने ये तीन एग्जाम्पल बताया. उसके बाद फिर दूसरा तीसरा होने के बाद दूसरा तीसरा पहला दूसरा पहला हमने किनके बारे में जाना, चर्चिल. दूसरा हमने देखा किनके बारे में, थॉमस एडिसन. और उसके बाद फिर हमने किनके बारे में देखा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो बने अब्राहम लिंकन. एंड थर्ड अब द लास्ट एग्जाम्पल फिर उन्होंने क्या किया, लास्ट में क्या बोलते हैं देखिए, परहैप देयर इज अ होप फॉर मी येट. अब ये तीन एग्जाम्पल के बाद उन्हें क्या लगा हिना को कि ओ अभी भी मैं अगर मेहनत करती हूं तो मुझ में जीतने की आशा है. उसकी आंखों में चमक, एक ट्विंकल का मतलब होता है चमक, शाइनिंग. क्लियर? एंड डाउटफुली बिना संदेह के क्लियर वो क्या करने लगी, अब मेहनत करने लगी. राइट? और दूसरा एग्जाम्पल माने क्या कहा कि देखो बेटा तुमने बचपन में कहानी सुनाई होगा, आप लोगों ने भी सुना है, किनकी कहानी, कछुए और खरगोश की कहानी. तो हमने देखा कि कछुआ ने लगातार कड़ी मेहनत करने के बाद उसने रेस विन कर लिया. कभी कछुआ खरगोश को हरा सकता नहीं, हरा सकता, मगर रेगुलर मेहनत करने के बाद, ट्राई ट्राई अगेन करने के बाद यू कैन विन. मींस द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कह रहा है कि नेवर गिव अप, हार नहीं मानना है कभी भी और कड़ी मेहनत करते रहना है, एक न एक दिन सफलता आपकी कदम को चूम लेगी. यस, इट इज नॉट ऑलवेज फास्टेस्ट बट वन हु डिटरमाइन एंड हैज अ विल टू विन सेड चेंज डिटरमाइन हैना. देखिए अब हैना पहले गिव अप करती थी, अब डिटरमाइंड हो गई.
पहले हिना जो थी, हिना जो लड़की थी, वो शुरू में हमने देखा कहानी में वो छोड़ रही थी कि नहीं मुझे अब पढ़ाई नहीं करना, मेहनत में नहीं करूंगी। मगर अब क्या कहती है, बदल गई हिना। अब कहती कि नहीं मैं टॉपर बन के दिखाऊंगी माँ। एंड आई अंडरस्टूड व्हाई माई टीचर इंसिस्ट दैट वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। और अब वो कहती है कि अब मुझे समझ में आया कि मेरे टीचर क्यों बोलते हैं कि जहां चाह है वहीं राह है। तो इस कहानी में हमने देखा कि हीना जो एक लड़की है वो पहले शुरू में कहानी के अपनी मेहनत करना अब नहीं चाहती है, क्योंकि वो बार बार मेहनत करती है, उसके बाद भी 10वां स्थान पे आ जाती है वो। मगर जब मम्मी ने इनकरेज किया, बूस्टअप किया उसे, तब वो अंत अंत स्टोरी के आते आते वो भी कड़ी मेहनत जानकी की तरह करने वाली बन गया। तो बच्चों हमने यहां कहानी से क्या सीखा कि हमें भी अपने लाइफ में कड़ी मेहनत करते रहना है, कभी भी गिव अप नहीं करना है। एक न एक दिन हम लोग क्या हो जाएंगे, अपने गोल को अचीव कर लेंगे। वन डे वी विल ऑल्सो बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। सो आई होप इट्स क्लियर। लेट मी फिनिश।